यूथ की हम बात करते हैं, मोहम्मद सरवर साहब के पास चलेंगे। और मैं ये सही कह रही हूँ ना कि हमारे जो नौजवान नस्ल है नहीं इम्प्रेस होते ना जब तक 12 करोड़ की गाड़ी आप ना देखें, वो भी किसी और की, पेट्रोल भी किसी और का, तो ये, लेकिन आप लोग नहीं इम्प्रेस होते ना। आप लोग जो हल्के में आपका बंदा रहता है, जो कोई मास्टर है, कोई वहाँ का अच्छा मौलवी साहब हैं, जमात पढ़ाते रहे, आप उसको वोट नहीं डालते। बीइंग अ टीचर, मैं पंजाब से का एक टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इलेक्शन के दिनों में मेरा एक स्टूडेंट आया तो मुझे कहने लगा कि सर आप किन को वोट करेंगे। मैंने कहा मैं पाकिस्तान को वोट करूँगा। आप अपने हल्के में जो बेहतरीन करेक्टर का वो हो कैंडिडेट, उसको वोट करें, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो, कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें। यकीनन इम्प्रेस तो होते हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं। और एक कहावत मैं सुना देता हूँ, अरबी की एक कहावत है कि अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। तो सिस्टम में रहकर, ज़ाहिर बात हम सारे एक सिस्टम का हिस्सा है, तो जब भी सिस्टम में आप रहें, सिस्टम को सपोर्ट करें, लेकिन कोशिश करें कि बेहतरी की। लेकिन जब आपको मौका मिले तो फिर चेंज करें, जिस तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने चेंज किया, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है। चूँकि रिवाज अब ये चल रहा है, लेकिन ना इंस्टा पे अगर एक रिवाज चलता है ना कि सबने एक तरह का मेकअप करना है या एक तरह की हेयर स्टाइल, तो सारे लोग कॉपी करते हैं। अब मुझे लगता है कि चूँकि हम मुनाफिक हैं, चूँकि हम दोगले हैं, जिसको मौका मिलता है वो करेगा गलत काम, जिसको मौका मिलता है वो अपने रिश्तेदार को आगे करेगा, चूँकि हम में नेपोटिज्म है। लीडर इसी माशरे से निकला है, उसमें भी होगी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर हमने पायनियर स्टेप लेना है तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम बेहतर कर लें, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक बेहतरीन हम करिकुलम बनाएं, रिपीटेशन ना हो। इस वक्त करंटली जो हमारा करिकुलम है इसमें इतनी रिपीटेशन है, यानी जो चीज़ हम 6 में पढ़ा रहे हैं वही 8 में भी पढ़ा रहे हैं, वही मैट्रिक में भी पढ़ा रहे हैं, इंटर में भी पढ़ा रहे हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी नहीं रहा लोगों के जहनों में, आप यकीन करें, क्योंकि आप टीचर हैं। और 1857 का अगर आप किसी को कहें जिसके अच्छे मार्क्स आए, ये मैं ऑन अ डेली बेसिस पहला सवाल जो भी मेरे पास यंग इंटर्न आता है, मतलब 27-28 साल की उम्र का ग्रेजुएट करके 25-26 की उम्र में, अब मैं उनसे पूछती हूँ 1857 में क्या हुआ, दे डोंट नो। तो इसका मतलब है कि करिकुलम से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिकॉज आप अपने रोल में भी एक लीडर हैं। करिकुलम इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और उस्ताद की ट्रेनिंग हो कि हम उस्ताद जो बन रहे हैं, हम बाई चांस उस्ताद हैं, बाई चॉइस नहीं है। हमारे इस सोसाइटी में अगर मैं ये कहूँ कि मोर देन 90% टीचर हैं, दे आर बाई चांस टीचर। आई एम सो हैप्पी यू सेड दैट, पर मेरा ख्याल है कि जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, और ये मैं आपको सच बता रही हूँ कि एक लड़के को मैंने अपने घर में कुक नहीं रखा क्योंकि उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं था, उसे 5 सवाल रटे, टीचर बन गया। और मैं लेख करता हूँ कि हमारे डोमेन में जितने भी टीचर्स हैं, दे आर बाई चांस टीचर, बाय मजबूरी। तो सबसे पहले तो ये करिकुलम बनाए ओ लेवल की तरह। सिर्फ ओ लेवल में एक साल इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उनको 1857 की भी नौ हो जाती है और उनको सब कुछ का पता चल जाता है। और हमें 4 साल मैट्रिक में, इंटर में, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तब भी उनको कुछ नहीं पता होता। तो अपने एजुकेशनल सिस्टम में जौहरी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और उसमें टीचर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि वो बाई चांस टीचर ना बने बल्कि बाई चॉइस बने।